दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज का फंडा चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए नॉलेज का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज का फंडा। दोस्तों नॉलेज का फंडा के अंदर आज वापस से पांच टॉपिक पर बात करेंगे, और ऐसे टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपकी जानकारी के नज़रिए से बेहद उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं और कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो यह जानकारियां आपके लिए बेहद आवश्यक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसी जानकारियां हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी और साथ ही साथ आपके रुचि के आधार पर भी ये चीज़ें क्यों आपको देखनी चाहिए। तो चलिए पहले पॉइंट पर निगाह डालते हैं। पहला पॉइंट अपने पास जो है, जैसा कि दोस्तों अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे तो आपको एक बात पता होगी कि जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क को सी ड्राइव से इंडिकेट किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि सिस्टम स्टोरेज का सी ड्राइव से ही क्यों शुरू होता है? हाँ, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत में ए और बी ड्राइव जो होती थी वह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के रूप में प्रयोग की जाती थी, और वर्तमान समय में अब क्या हुआ है कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग बंद हो चुका है लगभग। ऐसे केसेस में ए बी अभी भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए रिजर्व हैं, लेकिन सी से शुरुआत होती है हार्ड डिस्क ड्राइव की। अब सी के बाद जो अन्य डिवाइसेज जैसे आप पेन ड्राइव या फिर सीडी कुछ भी लगाएंगे तो उनको जो नाम मिलेगा सी के बाद मिलेगा, मतलब कि सी के बाद डी या फिर ई, ऐसे कुछ नाम आपको मिलते चले जाएंगे। दोस्तों वर्तमान समय में फ्लॉपी का उपयोग बंद होने के पीछे पर्पज ये था, कारण ये है कि इसका जो संग्रहण क्षमता होती है बहुत कम होती है, 1.44 MB, और इसे हम डिस्केट डिस्क नाम से भी जानते हैं। तो जैसे जैसे फ्लॉपी का इस्तेमाल अप्रचलित होता गया वैसे वैसे हार्ड डिस्क को प्राथमिकता मिलने लगी, लेकिन फिर भी ए और बी को रिजर्व रखा गया फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए और शुरुआत की गई सी से। दोस्तों अगर हार्ड डिस्क ड्राइव को ही तीन पार्ट में बांट दिया जाए तो उसी हार्ड डिस्क ड्राइव को सी डी और ई से इंडिकेट किया जाएगा, उसके बाद जो अन्य डिवाइसेस आप मेमोरी के लगाएंगे उनको ई के बाद का जो लेटर होगा वो मिलेगा। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद भी आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। अगले पॉइंट की तरफ कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जैसे कि exe या फिर pif या फिर msi dll .bat, ये सभी फाइलें ऐसी फाइलें हैं जो कि सिस्टम के अंदर कुछ मिलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकती हैं। हाँ, समझाता हूँ इस बात को कि ये क्या कह रहे हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, एग्जीक्यूट का मतलब होता है क्रियाशील होना या फिर संचालित होना, स्वतः संचालित होना। तो कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल होती हैं, एग्जीक्यूटेबल माने स्वतः संचालित हो जाती हैं, स्वतः एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और यह एग्जीक्यूट होकर कुछ ऐसे फाइल्स का डाउनलोड कर देती हैं। कुछ ऐसे फाइल्स ही अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर देंगे जो कि वायरस हो सकते हैं। तो ऐसी डाउनलोडेड फाइलें सिर्फ तभी ही खोले जबकि आपको फाइल के अंदर क्या चीज़ है मौजूद इस बात की आपको हो जानकारी, और हमेशा इसे स्कैन कर लेने के बाद ही ओपन करना चाहिए। तो इसीलिए बिना जाने समझे, बिना किसी जानकारी के, पूर्व जानकारी के, आपको किसी भी प्रकार के जो फाइल्स हैं उनको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ये मेरा आपके लिए सजेशन है, जिससे कि आपके कंप्यूटर में कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ना आए और किसी प्रकार के कोई वायरस का अटैक ना हो। जब आपको भली भांति पता हो तभी आप किसी फाइल को डाउनलोड करें, और इवन जो ऑथराइज्ड वेंडर हैं बस उन्हीं से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी किया करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपने पास कि क्या आप जानते हैं कि DSL क्या है। DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लूप, इन दोनों नाम से ही संबोधित कर सकते हैं हम DSL को। और यह तकनीकी जो है यह टेलीफोन के अंदर यूज होती है, और टेलीफोन लाइनों पर जो डेटा हमारे ट्रांसमिट होते हैं उनको एक हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा देने के लिए DSL का प्रयोग किया जाता है। तो DSL मतलब कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या लूप, या जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल करवाने के लिए DSL का प्रयोग होता है। अगली बात समझते हैं क्या है। स्वचालित रूप से जो यूज़र नेम एवं पासवर्ड को सिस्टम पर सेव करने वाली ब्राउज़र सेटिंग की हमेशा जांच करें और उसे निष्क्रिय कर दें, खास तौर पे सार्वजनिक कंप्यूटर इस्तेमाल करते समय। क्या कहता है ये स्टेटमेंट, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे होता क्या है मित्रों कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने फेसबुक का, ईमेल का, जीमेल का ईमेल आईडी और पासवर्ड हमेशा डाल के रखते हो। हाँ, बेहतर है
क्यों आप डाल के रखते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि बार बार मुझे वो सॉफ्टवेयर अपने पासवर्ड और यूजर नेम टाइप न करने पड़े। लेकिन ऐसे केसेस में अगर आप किसी सार्वजनिक प्लेस के कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, तो अगर आपका ब्राउज़र के अंदर ऑटोमेटिकली सेव ऑप्शन बना हुआ है तो उसको आप निष्क्रिय करें, उसे आप डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल कर देने से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके वेब ब्राउज़र के द्वारा सेव नहीं किया जाएगा। इसके बाद जब कोई सामने वाला बंदा वापस से खोलेगा तो आपका जो पासवर्ड है और यूज़र नेम है वह उसको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हमेशा ख़ास तौर पर जब सार्वजनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तब अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को जो ऑटोमेटिकली सेव वाला विकल्प है आपके वेब ब्राउज़र में, उसको हमेशा डीएक्टिवेट रखें। हाँ, अपने कंप्यूटर के साथ आप इसको एक्टिवेटेड रख सकते हो, लेकिन बेसिकली आप इसको इससे भी बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर आपके कंप्यूटर का उपयोग आपके अलावा कोई और भी करता है तो। ओके, अगला जानकारी लेते हैं दोस्तों। अगली जानकारी हमारे पास, जैसे आप जब इंटरनेट पर सर्फिंग करते होंगे तो इंटरनेट पर सर्फिंग करने के दौरान आपको ये वाला चिन्ह जो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला चिन्ह आपको दिखता होगा और वहाँ पर लिखा होता होगा HTTPS। तो HTTP का मतलब तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन अब यहाँ पर S लगने का क्या मतलब है? S लगने का मतलब यह है कि यह सिक्योर्ड है। क्या है ये सिक्योर्ड? तो यह एक प्रकार का इनक्रिप्टेड वेबसाइट कनेक्शन का प्रतीक है, आपका जो ये लॉक लगा हुआ है। इनक्रिप्टेड वेबसाइट ये दिखाती है कि आपका जो कनेक्शन है वह पूरी तरह से सुरक्षित है, पूर्ण रूपेण यह सुरक्षित है। अगर यह नहीं प्रदर्शित होता तो समझिए कि आप जिस वेबसाइट पर हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, या फिर वह एकदम असुरक्षित है, या फिर आंशिक रूप से, मतलब आधा यह सुरक्षित है और आधा ये असुरक्षित है। तो कहने का मतलब है ये चीज़ें आप जाँच लें, पड़ताल लें, उसके बाद ही वेबसाइट पर विजिट करें। अगर ऐसी वेबसाइट्स पर जिस पर यह लॉक नहीं लगा है और HTTPS नहीं लगा है, तो समझिए कि आपके कंप्यूटर्स पर अटैक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हो ही जाएं, लेकिन हो भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सब जानकारी आपको पसंद आई हो तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबा दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। और दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर करिए। चलिए, टाटा बाय बाय।